हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ए के एस वर्ल्ड न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा के बारे में। दोस्तों तो वीडियो में मैं A to Z आप लोगों को क्लियर इसका बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दोस्तों ज़रूर हिट करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलते रहे। मैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप लोगों को लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं बिहार विधानसभा की ऑफिशियली वेबसाइट पर हूँ। दोस्तों बिहार विधानसभा के असिस्टेंट यानी सहायक या उसके अलावा जो भी पदों पर आप 2018 में इसके लिए एग्जाम दिए थे उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों बिहार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो आपको एक सेकेंड लिंक पर जहाँ लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2018, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको PDF डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसमें आपको पूरा इसका क्या क्या रिगार्डिंग हुआ है, मैं इसको डाउनलोड करके रख चुका हूँ। मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसका PDF पहले से ही डाउनलोड करके रख चुका था। बिहार विधानसभा सचिवालय विज्ञापन नंबर 1/2018, बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत कंप्यूटर के आलोक में सहायक के पद प्रसिद्धि भर्ती है तो दिनांक 18 तारीख से लेकर 24 दिसंबर तक जो आपका एग्जाम चला था उस पर आयोजित की गई परीक्षा के इस परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ निम्नांकित दे दिया गया है। तो जिसको कि फ्रेंड आप लोग इसको मिला लीजिएगा। दोस्तों इसके रिगार्डिंग क्या क्या कुछ दिया गया इसके बारे में मैं आप लोग बताता हूँ। अगर इसमें यह भी नीचे दे दिया गया कि अगर ऑनलाइन आवेदन भरते समय आप अपने लिंक, डेट ऑफ बर्थ या किसी सर्टिफिकेट को देने में गड़बड़ी किए होंगे तो उसके लिए अभ्यर्थी खुद ही जिम्मेदार है। तो और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, इसके अलावा भी और भी पोस्टों का रिजल्ट जारी किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया उपयुक्त परीक्षा सफल में आरक्षण कोटि के कट ऑफ भी यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों तो अनारक्षित मेल की बात करें तो यहाँ पे 321 नंबर गया है, वहीं फीमेल की बात करें तो 295 नंबर का कट ऑफ हुआ है। वहीं अनुसूचित जाति में मेल में 295 नंबर के लिए, अनुसूचित जाति महिला के लिए 259 नंबर गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति मेल की बात करें तो 300 नंबर कट ऑफ गया है दोस्तों। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को 309 और वहीं पिछड़े वर्ग के महिला के लिए 283, पिछड़े वर्ग के महिला के लिए यहाँ पे दिया गया 293, दिव्यांगों के लिए यहाँ पे 285 नंबर रखा गया है और यहाँ पे 172 नंबर का आप लोगों का कट ऑफ निकाला गया। वहीं यहाँ पे दिया पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती जो भी यहाँ पे दिया गया है उन लोगों का 295 नंबर कट ऑफ रखा गया है। उपयुक्त परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के एक्सपेक्टेड स्कोर विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट इस पर प्रदर्शित कर दिया गया है। दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, देख सकते हैं ये 14/2/2019 यानी कल रात में ही इसका ऑफिशियली अपडेट लिंक इसका ऑफिशियली कर दिया गया था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया बिहार विधानसभा के अंतर्गत परीक्षा में शोध संदर्भ सहायक के पद प्रसिद्धि भर्ती हेतु जो 18 से 24 आपको एग्जाम चला था दिसंबर में, इस परीक्षा में मुख्य आधार पर अभ्यर्थियों के अनुक्रमांकावार परीक्षाफल निम्नमत यहाँ पे भी दे दिया गया है। इसमें भी दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आप लोग अपना मिला लीजिएगा। कट ऑफ की बात करें तो अनारक्षित में मेल के लिए 270, फीमेल के लिए 250, अनुसूचित जाति के लिए मेल में 214 नंबर गया दोस्तों। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग में मेल के लिए यहाँ पे 258 नंबर, पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 210 नंबर और पिछड़ा वर्ग के लिए 254 नंबर यहाँ पे गया है। इसका भी डेट आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 14/2/2019 के डेट में यहाँ पे किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों बिहार विधानसभा जो ही यहाँ पे दिया गया है आलोक में पुस्तकालय सहायक के पद पर जो इसके लिए आवेदन किए होंगे उनका भी यहाँ पे सब पर जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पे ये दिया गया है जिस इसके नोटिफिकेशन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफिशियली वेबसाइट पर भी जाकर इसको डाउनलोड करके आप अपना मिला लीजिएगा। वहीं अनारक्षित के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 271 गया है, वहीं महिला में बात करते 238 नंबर, अनुसूचित जाति के लिए 218 नंबर, मेल के लिए और फीमेल की बात करें तो 164 नंबर गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में मेल की बात करें तो 258 नंबर और फीमेल में 209 नंबर गया, पिछड़ा वर्ग में 254 नंबर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है बिहार विधानसभा में जो लोग आलोक में उर्दू सहायक के पद पर आवेदन किए होंगे उन लोगों का भी यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है और उन लोगों का भी यहाँ पे कट ऑफ बता दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए 172 और वहीं पिछड़े वर्ग के लिए 278 नंबर यहाँ पर आपका कट ऑफ गया है। सब कल ही के डेट में दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। फिर यहाँ पे दिया गया है जो लोग आलोक में उर्दू अनुवादक के पद पर जो भर्ती किए होंगे उनका भी रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है, आप लोग इसको अपना अपना मिला लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अनारक्षित महिला के लिए 172.44 गया है, अनुसूचित जाति के लिए 185 नंबर
गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों आप लोग सभी लोग अपना चेक कर लीजिएगा, अगर किसी को चेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिहार विधानसभा में देखिए यहाँ पे दिया गया आलोक के अनुवादक अंग्रेजी हिंदी के पद पर सीधी भर्ती के लिए जो भी लोग भी आवेदन किए होंगे उनका भी यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे आलोक में सहायक अवधायक के पद पर भी जो लोग इसके लिए आवेदन किए हैं उनका भी रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसके भी कट ऑफ की बात करें तो अनारक्षित मेल के लिए 371, फीमेल के लिए 312, अनुसूचित जाति के लिए 311, वहीं अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 325 नंबर रखा गया है, और वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 330.91 आपका रखा गया है दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जो लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर हिट करें दोस्तों। सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलते रहे, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो का कोई भी अपडेट होता है मैं आप लोगों को लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिन लोगों का कोई प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।